सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेत्र सहायक के पद पर निकाली गई वैकेंसी में नियुक्ति पर सवाल खड़ा हो रहा है। लगातार नियुक्ति में धांधली की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नेत्र सहायक पद के लिए वर्ष 2021 में कुल 236 पदों की बहाली निकाली गई थी, जिसमें गलत तरीके से तत्कालीन मंत्री मंगल पांडे के द्वारा नियमों में हेरफेर किए जाने का आरोप लग रहा है। और मामले में बिहार के सीएम, डिप्टी सीएम सहित पटना हाईकोर्ट में भी मामला दर्ज कराया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को संशोधित कर रिजल्ट दोबारा प्रकाशित करे। IGIMS से प्रशिक्षित नेत्र सहायक डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेत्र सहायक की बहाली वर्ष 2021 में निकाली गई, उसमें तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा बहाली प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई और उस बहाली में पूर्व के नियमों की अनदेखी करते हुए जमकर धांधली की गई। उन्होंने बताया कि वरिष्ठता के आधार पर पूरे बिहार में नेत्र सहायक की बहाली होते थे, जिसे रोकने के साथ वोकेशनल कोर्स वाले को भी नेत्र सहायक में रिजल्ट दिया गया, जो कि पूर्व से आ रहे नियमों की अवहेलना है। डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पटना हाईकोर्ट में भी मामला संज्ञान में लाया गया है, फिर भी इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया किया जाना गलत है। डॉक्टर अजय कुमार ने सरकार से आग्रह किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया को पुनः सुधार कर रिजल्ट को दोबारा प्रकाशित किया जाए। अजय कुमार ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया कि वैसे लोग जो पूर्व से नेत्र सहायक का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य विषय जो है नेत्र सहायक में बहाली में धांधली की गई है, ये 21 में बहाली निकाली गई थी माननीय मंगल पांडे जी के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री। हम लोग उमेश पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अब हो गए हैं मंगल पांडे जी। हम बहुत उम्मीद लेके चले थे कि जो बहाली बहुत दिन से 15 साल से नहीं निकली नेत्र सहायक का, तो आपका लालू जी के समय बहाली निकाली गई थी, आपका 96 के बाद बिहार में नेत्र सहायक की बहाली नहीं निकाली गई। उस समय बहाली में क्या होता था कि आपका मेडिकल कॉलेज से पास करते थे और डिप्लोमा के मार्क्स के आधार पर पोस्टिंग दे दी जाती थी लालू जी के समय में। अब जो है आपका स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बने, उस समय 21 में बहाली निकाली, वो आपका 236 सीट का बहाली निकाले थे, उसमें 225 सीट का क्लियर कर दिया गया, उसको ज्वाइनिंग माननीय तेजस्वी जी को देना है, उसमें काफ़ी धांधली हो गई हुआ है। उस पर हम लोग प्रधान सचिव से भी मिले हैं और तेजस्वी जी से मैंने मिला है और माननीय समाधान यात्रा में आए थे माननीय नीतीश जी नालंदा में, उनको भी मैंने मिला। तो प्रधान सचिव से मिला तो आश्वासन मिला कि आपको उसको बहाली ठीक की जाएगी। उसमें क्या था कि डिप्लोमा वाले कोर्स को लेना था और वोकेशनल वाले दूसरे स्टेट से आ गए और उसको भी दे दिया गया, जिसमें 85% मार्क्स कहीं नहीं है उठता है। और हम लोग बिहार में जो इंटर में बिहार बोर्ड से हम लोग एग्ज़ाम दिया मैट्रिक का और इंटर का भी हम लोग दिया है, उसमें भी मार्क्स हम लोग का कम उठा और जो CBSE जो दिया उसका पूर्णांक कम है, उसका मार्क्स ज़्यादा उठता है। मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन जो किया गया ये गलत है। पहले जो होता था कि आपका डिप्लोमा बेसिस पे होता था लालू जी के टाइम में, उसमें नियमावली में छेड़छाड़ कर दिया गया, कुछ लोग कर दिए, वो आपका सीनियर लोग को बहुत सब लोग समझिए कि 15 साल से बहाली नहीं निकला। आप सोच लीजिए कि कितना को 96 के बाद से बहाली जो नहीं निकला है, तो उस सब का जोड़ लीजिए कि केस पक गया सब, बाल बच्चे अब जवान हो गया, आशा अब था कि इस बार निकला है तो इसमें भी धांधली कर दिए, वो आपका वोकेशनल वाला को घुसा दिया गया। बहुत सारे लोग जो मेडिकल कॉलेज है, जो बिहार में जितने मेडिकल कॉलेज सरकारी है
उसी लोगों को नेत्र सहायक को लेना है। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स था और उसको क्या करना था, उसको नियमावली पर करना था, डिप्लोमा पर लेना था बहाली, मगर तेजस्वी जी को मैंने ये अवगत कराया है मगर उस पर कभी कार्रवाई नहीं हुआ। उम्मीद है कि विकास पुरुष, उनका इच्छा था कि युवा को हम देंगे रोजगार और उनका मिशन था कि हम लोग पैरामेडिकल से इन लोग गए हैं, जैसे मेरे अनुज हैं, ये अनुज PMCS से पास आउट हैं और ये जो है आपका PMCS से पास आउट है, तो सोच लिया जाए कि ये दोनों रिटायर होने को अब आएगा कुछ दिन में। इसमें हम लोग कहना चाहेंगे कि विकास पुरुष नीतीश जी हैं, राजगीर की धरती से हमेशा उनको सद्बुद्धि मिलता है और बुद्ध महावीर की धरती से एनर्जी लेकर के बहाली भी निकालवाए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये धांधली जो हुआ है इस पर कार्रवाई किया जाए। और मैंने तेजस्वी जी को भी दिया है और ये यूट्यूब से भी दिया, ईमेल भी भेजा, मगर अभी तक कुछ नहीं है उस पर एक्शन हुआ। क्या उम्मीद लगती है? अब उम्मीद यही है कि माननीय नीतीश जी इसको कल्याण कर सकते हैं, नहीं तो फिर धांधली होगा तो इस पर सब बेरोजगार बेरोजगार ही रह जाएगा। एज पहले जो एज का लिमिटेशन दिया गया था, पहले ओल्ड वाले लोगों को लेना था, तो अभी जिसका दाढ़ी मोछ नहीं आया है और उसको भी ले लिया गया, क्योंकि वो CBSE बोर्ड से ISC किए और उसका परसेंटेज उसका ज़्यादा उठा, कोई इसका तुक नहीं था। पहले जो क्या था कि आपका 7 में 82 सीट का SSC के थ्रू बहाली निकाला गया था, फिर 10 में 20 सीट का कंसेप्चुअल मतलब कि टेम्प्रोरी बहाली निकाली गई थी, वो RBC के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत निकाला गया, और 21 में 2001 सीट का निकाला गया जो आपका अभी तक के बहाली रद्द कर दिया गया। तो अंधापन 1 लाख का मिशन है तेजस्वी जी का, और उसमें ट्रेंड जो नहीं रहेंगे नेत्र सहायक मेडिकल कॉलेज वाले और जो डिग्री खरीद करके कहीं से ले आए और उन, तो निश्चित रूप से कैसे असिस्ट करा पाएंगे? तो क्या लगता है जो पुराने प्रशिक्षित नेत्र सहायक हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार? एकदम बिल्कुल 100% हम चाहते हैं कि सौतेलापन व्यवहार को खत्म किया जाए, और जैसे है इसमें स्वस्थ भारत मुक्त मोतियाबिंद बिहार बनाने का जो संकल्प है, हम समझते हैं कि ये माननीय नीतीश जी का भी उद्देश्य है कि मोतियाबिंद मुक्त समाज बने, तो कैसे संकल्प पूरा होगा? पहले जो ट्रेनिंग किया है उसको दिया जाए, बिहार राज्य वाला को दिया जाए, कि ना कि आपका झारखंड वाला को घुसा दे रहे हैं, MP वाला को घुसा दे रहे हैं, आपका ये छत्तीसगढ़ वाला को घुसा दे रहे हैं। पहले बिहार का जो ट्रेनिंग किया है, और नहीं तो ये सब कोर्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि नेत्र सहायक को हर मेडिकल कॉलेज से 50 को 100 को निकल रहे हैं, इधर पावापुरी मेडिकल कॉलेज से निकल रहे हैं, 3 बैच हो गया, अभी नया नया खुला है मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुलना है, तो ये तो फौज खड़ा कर रहे हैं बेरोजगार का, वो क्या करेगा बाद में बताइए? जब रोजगार नहीं दीजिएगा, क्लिनिक चलाने में भी बाधा पैदा कीजिएगा, तो हम चाहते हैं कि सभी को अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो जैसे फार्मासिस्ट के नाम पर दवा लाइसेंस दिया जाता है, उसी तरह से नेत्र सहायक के नाम पर चश्मे की दुकान लाइसेंस दिया जाए, ताकि आपका जितने भी चश्मे दुकान है वो सब, कोई भी चश्मे की दुकान का लाइसेंस नहीं है, नॉन क्वालिफाइड पर्सन लोग हैं जो चश्मा गलत चश्मा जांच करने के वजह से सभी को मोतियाबिंद हो रहा है। जितने भी बिहार राज्य में सभी को किया जाए कि चश्मा की दुकान वही खोल सकते हैं जो नेत्र सहायक है, अगर नौकरी नहीं देते हैं तो ठीक है ना, तो फार्मासिस्ट वाला रूल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग आप दिला रहे हैं, इसमें बॉन्ड दिया गया था, बॉन्ड भराया गया था कि 2 साल का ट्रेनिंग के बाद आपका 3 साल आपके पीछे लाख रुपया खर्च करती है सरकार, तो आपको ट्रेनिंग दिया इसलिए जा रहा है कि आपको नौकरी करना है, मगर ऐसा तो हुआ नहीं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।